करनाल जिले केंद्रीय हलके में एक बस ड्राइवर 35 प्रवासी मजदूरों को मेहता फार्म इंद्री के पास छोड़कर फरार हो गया। इसमें 25 पुरुष, 5 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। बस चालक की इस कारगुजारी के कारण सभी मजदूरों को अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ काफी समय तक सड़क किनारे ही बैठना पड़ा। मामला प्रशासन के संज्ञान में आया तो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। करीब 12 बजे रोडवेज की बस से प्रवासी मजदूरों को करनाल के होम शेल्टर भेजा गया। वहीं जब इस मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नरेश से बात की गई तो वे एरिया ना होने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी बंगाल के रहने वाले ये प्रवासी पंजाब के डेराबसी की फैक्ट्रियों में काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से राशन खत्म हो गया तो इन्होंने घर वापसी की सोची, परंतु घर जाते समय गाड़ी चालक को पुलिस ने हरियाणा यूपी के बॉर्डर पर रोक लिया। इसके बाद प्रशासन ने इन्हें मधुबन में रखा जहां इन सभी के टेस्ट किए गए। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि हमें घर बेचने की बात कहकर प्रशासन ने हमें बस में बिठाया, परंतु गाड़ी चालक और मजदूरों को लाने की बात कहकर हमें छोड़कर भाग गया। इस मामले में SI शेर सिंह का कहना है कि ये सभी मजदूर डेराबस्सी में काम करते थे जो करनाल के राधा स्वामी सत्संग भवन में बने होम शेल्टर में ठहरे हुए थे। प्रशासन ने इन्हें जब बस से पश्चिमी बंगाल के लिए रवाना किया था, उनका चालक इन्हें छोड़कर भाग गया। मामले की जांच कर चालक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। डेराबस्सी से हम लोग ट्रक में आए थे। डेराबस्सी से? हाँ, फिर वहाँ बॉर्डर में पास होने नहीं दिया, फिर हम लोग ट्रक वाले ने चला गया, फिर हम लोग कुछ पैसा दिया आपस, फिर हम लोग पुलिस वालों ने हम लोगों को लाया मधुगन में। मधुगन एक रात रखा, फिर उसके बाद करनाल में लेके आया। फिर हम लोग को आज बस देने की वो कागज वागज बनाया, फिर बस आया, बस बोल रहे थे यार तुम लोग रुक जाओ, फिर हम लोग बंदा लेके आ रहे हैं। ठीक है, नहीं वो बस वाला तो बोल के गया थे लेने आ रहा हूँ, और बंदा आगे बता रहा है। अब तो वो मालूम नहीं छोड़ के गया कैसे गया, प्राइवेट बस था, सब अलग अलग है, मतलब एक ही गांव का हूँ। हम लोग तो ऐसे मालदा डिस्ट्रिक्ट है, थाना चाचल पड़ता है, गांव है असिनपुर। कौन सा? हाँ जी सर, आज रात को 9:30 बजे एक प्राइवेट बस में पश्चिम बंगाल के 30 प्रवासी मजदूरों और 5 बच्चों को एक बस का व्यक्ति छोड़ गया था, जो इन प्रवासी मजदूरों के लिए प्रशासन द्वारा SDM साहब द्वारा बस का इंतजाम कर दिया है, जिनको बस में बिठा के कम्बोपुरा राधा स्वामी सत्संगर में इनको भेज दिया जाएगा। इनको खाना खिला दिया, दूध पिला दिया है। राधा स्वामी सत्संगर इंद्री वालों ने बहुत इमदाद की है, खाना खिला दिया, पानी पिला दिया इनको, और अभी इनको वहाँ भेज दें, कल इनका पश्चिम बंगाल भेजने का प्रबंध किया जाएगा। तो सर वहाँ कहाँ से आए थे ये? राधा स्वामी सत्संगर से आए थे, करनाल से, जिनको एक आया था अभी आपको पश्चिम बंगाल भेजेंगे, इनके पास बने हुए हैं, तो इनको कल प्रशासन द्वारा वापस पश्चिम बंगाल भेज दिया जाएगा। तो बस क्यों छोड़ गई? वो उसके बस वाले से पता करना पड़ेगा भी उसने क्यों यहाँ पर इनको उतारा है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई? उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी प्रशासन द्वारा, प्रशासन के नोटिस में ले दिया है, जैसे भी होगा कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.